हे गाइस, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो ऑन द चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से आप लोग ना मतलब जो जूम क्लाउड मीटिंग ऐप जो सॉफ्टवेयर है तो उसको आप अपने पीसी या लैपटॉप में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे यूज कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, मैंने मोबाइल के लिए एक वीडियो बनाई है, मतलब मोबाइल के लिए तो बहुत सारी वीडियोस बनाई है, जूम क्लाउड मीटिंग ऐप कैसे यूज करें, अकाउंट कैसे बनाते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ जूम क्लाउड मीटिंग ऐप या फिर सॉफ्टवेयर को आप लोग अपने पीसी लैपटॉप या कंप्यूटर में कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले हमें उसके लिए किसी भी ब्राउजर में जाना पड़ेगा और यहाँ सर्च करना पड़ेगा, या गूगल में भी जाकर हम लोग सर्च कर सकते हैं जूम क्लाउड क्लाउड है ना, जूम क्लाउड मीटिंग फॉर पीसी, या आपको सर्च करना है। ओके, सो पीसी लैपटॉप एक ही बात है, आप लोग कोई भी सर्च कर सकते हैं। तो zoom.us की वेबसाइट पर ये वाला है, तो आप लोगों को जूम ये वाला करना है अपने पीसी या लैपटॉप के लिए, ठीक है। और जैसे आप लोग यहाँ पे इस वेबसाइट पे आएंगे, ऑटोमेटिकली 10 MB का ये डाउनलोड हो जाएगा। मेरा डाउनलोड हो गया, अब हम लोग इसको यहाँ पे ओपन करेंगे एंड ओपन करने के बाद ये इंस्टॉलिंग होने लग जाएगा इस तरीके से, जैसा आप लोग यहाँ देख रहे हैं। और इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे अभी आप लोगों को शो करेगी एक चीज, मैं बताता हूँ आप लोगों को, इसको हम लोग बैक कर देते हैं। तो यहाँ पे आएगा ज्वाइन मीटिंग, तो डायरेक्टली अगर आप लोग विदाउट लॉग इन ज्वाइन मीटिंग करना चाहते हैं तो आप लोगों को डायरेक्टली ज्वाइन मीटिंग पर क्लिक करना है। यहाँ पे मीटिंग की जो लिंक है वो डालनी पड़ेगी, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि अभी हम लोग ना कैंसिल कर देते हैं इसको यहाँ से। तो हम लोग चाहते हैं साइन इन करना, तो मैं आपको साइन इन करना बताऊंगा। देखिए, इसमें लॉग इन या साइन अप भी कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पे साइन अप करेंगे तो यहाँ पे बहुत ही लंबा प्रोसेस लगता है मेरे को साइन अप वाला, तो मेरे को ये नहीं जमता, इसलिए मैं आपको शॉर्टकट वाला बताऊंगा। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, इसमें हम लोग यहाँ पे चलते हैं, बैक बटन पे क्लिक करते हैं, साइन इन पे क्लिक करेंगे अगेन, और मैं आपको बताऊंगा। देखिए, साइन इन पे क्लिक करना है, उसके बाद आप लोगों को क्लिक करना है साइन इन विद गूगल। ओके, सो जैसे आप लोग साइन इन विद गूगल करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो जीमेल लॉग इन होगा आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो होने लग जाएगा। देखिए, यहाँ पे आने लग गया इस जीमेल। तो अब आप लोगों को सिंपली क्या करना है, जो भी जीमेल लॉग इन है उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, और जैसे ही आप लोग सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट पेज में आ जाएगा कि ओपन विद जूम, तो यहाँ लॉन्च कर देना ओपन विद जूम मीटिंग, और यहाँ पे ये कनेक्टिंग होगा, दोनों मतलब एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये जूम क्लाउड मीटिंग जो है ये आपके लैपटॉप में सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। और यहाँ पे मैं एक चीज बता देता हूँ, अभी आपके शॉर्टकट में भी आ चुका है ये, देखिए जूम क्लाउड, अब आप लोग इसको विदाउट एनी प्रॉब्लम एक्सेस कर सकते हैं। अब चलिए मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात ये करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन जो आपको शो करेगा न्यू मीटिंग का है, देन ज्वाइन मीटिंग का है, शेड्यूल का है, शेयर स्क्रीन का है, इसके बारे में मैं बताऊंगा शेयर स्क्रीन क्या होती है। तो सबसे पहले जानते हैं न्यू मीटिंग। देखिए, यहाँ से आप लोग एक ये मीटिंग का ऑप्शन है यहाँ पर, देखिए फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे जाके आप लोग कॉपी इनविटेशन लिंक कर सकते हैं। अब आप कहीं भी पेस्ट करेंगे किसी को भी, यहाँ पे मैं कीबोर्ड बता देता हूँ, मैं आपको नोटपैड पे करके बताता हूँ, ये रहा नोटपैड, और हम लोग यहाँ पे जैसे पेस्ट करते हैं इसको, तो देखिए यहाँ पे आपका जो मीटिंग आईडी और ये सारा कि इनवाइटिंग यू टू, ये आपकी मीटिंग आईडी भी रहेगी और ये मीटिंग लिंक भी रहेगी। मीटिंग आईडी ये रही, ये जो आप देख पा रहे हैं, और यहाँ से ये पासवर्ड है, ठीक है। सो कोई भी इंटर करेगा तो इसके जरिए यहाँ पे ज्वाइन कर सकता है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग मीटिंग कैसे शुरुआत कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आप लोग यहाँ देख रहे हैं एक न्यू मीटिंग का ऑप्शन है, एक मीटिंग ये वाला है, तो आप लोग कैसे यहाँ पे शुरुआत कर सकते हैं। सो ये न्यू मीटिंग पे जस्ट आप लोगों को क्लिक करना है, और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो कैमरा है मतलब अपने लैपटॉप या पीसी का, वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। अब ज्वाइन विथ ऑडियो भी कर सकते हैं, ये आप लोगों को यहाँ पे ज्वाइन, अभी ऑडियो इनेबल नहीं है तो इसको आप लोग कर सकते हैं। तो और अगर आप लोग यहाँ से जैसे मीटिंग को स्टॉप करना चाहते हैं तो एंड मीटिंग का यहाँ पे ऑप्शन देता है, दिया हुआ है, तो यहाँ पे लीव मीटिंग या फिर एंड मीटिंग फॉर ऑल कर देंगे तो ये मीटिंग एंड हो जाएगी, लीव मीटिंग करेंगे तो बैक हो जाएगा। अब ज्वाइन मीटिंग की बात करते हैं, ज्वाइन मीटिंग में सबसे पहले यहाँ पे जो हम लोगों ने नोटपैड पर लिंक दी हुई थी, हमने मतलब कॉपी करी थी जो, ये तो हमारी है, लेकिन अगर आप लोगों को कोई भी प्रोवाइड करता है ज्वाइन करने के लिए, आपके सर मैम या फिर आपके बॉस वगैरह, तो इसको आपको डायरेक्टली यहाँ से कॉपी कर लेना है एंड यहाँ से इसको कॉपी करके और यहाँ से इसको पेस्ट कर देना। ओके, सो ये तो प्रोसेस ज्वाइनिंग का हो गया, मैं आपको और भी फीचर इसके बारे में बता देता हूँ। तो हम लोग जानते हैं इसके और भी फीचर्स, तो यहाँ से जूम को हम लोग ओपन कर लेते हैं अगेन, और यहाँ से इसको कैंसिल करता हूँ मैं। तो ज्वाइन का ये शेड्यूल मीटिंग है, यहाँ से आप लोग अपनी मीटिंग को शेड्यूल कर सकते हैं, यहाँ पे आपको सारा प्रोसेस दिया हुआ है, इसमें हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करेंगे। अब ये शेयर स्क्रीन के जरिए, जैसे कि हम लोग टीम व्यूवर यूज़ करते हैं तो एक दूसरे की स्क्रीन शेयर करते हैं, तो
तो इसी प्रकार यहाँ पे मोबाइल या फिर अगर आप लोग पीसी लैपटॉप में यूज कर रहे हैं तो आप अपनी स्क्रीन को शेयर कर सकते हैं सामने वाले पर्सन के साथ, या सामने वाला पर्सन अपने साथ शेयर कर सकता है। तो शेयर स्क्रीन का सेम टीम व्यूवर जैसा काम है। और बात करते हैं चैट्स वगैरह की, तो यहाँ पे आप लोग चैट्स वगैरह कर सकते हैं, सारी चीजें हैं। उसके बाद आ जाते हैं कॉन्टेक्ट्स में, तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट एक भी शो नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे मेरा अभी करेंटली मेरी जीमेल लॉगिन है। सो अगर आप लोग मोबाइल में यूज करेंगे तो कॉन्टेक्ट्स आ जाएंगे, या जीमेल में सेव है तो वो भी आ सकते हैं, ठीक है। सो ये प्रोसेस है। और यहाँ पे मैंने इसके जो भी फीचर्स हैं आप लोगों को बता दिए, लिमिटेड इसमें बताएं, क्योंकि देखिए यहाँ पर मैंने इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, वो है पूरी मतलब मोबाइल के पे है कि मोबाइल में आप लोग जूम क्लाउड मीटिंग आप कैसे यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रोसेस लगभग सेम ही है पीसी और लैपटॉप का। तो अगर आप लोग डीप में एक एक चीजें सीखना चाहते तो मैं उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 14 से 15 मिनट की वीडियो है, लेकिन आपको मैंने उसमें सारी चीजें समझाई हैं बहुत ही विस्तार पूर्वक, तो उस वीडियो को आप लोग जाकर देख सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को वीडियो ये वाली पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं बोलता हूं आपसे किसी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद मनीष फॉर यू।